सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेनम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कि आखिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो वेनम 3 रिलीज होने में अब से बस कुछ दिन ही बचे हैं और ऐसे में इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर काफी सारे थ्योरीज और कुछ रूमर्स भी निकल के आ रहे हैं जो की काफी कमाल के हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो की शायद से सच भी हो सकते हैं। तो अगर तुम्हें स्पॉइल नहीं चाहिए तो तुम इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो। तो देखो, वेनम 3 वेनम ट्रिलॉजी की लास्ट मूवी होगी जिसके अंदर हमें एक लास्ट टाइम वेनम और एडी देखने को मिलेगा और ये जो मूवी है इसमें हमें काफी सारे कमाल के रेफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे स्पाइडरमैन से रिलेटेड और जो सोनी की यूनिवर्स है उससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, सोनी का वही यूनिवर्स जिसके अंदर अब तक हमें क्रैविन दी हंटर, मैडम वेब, मोरबियस और मैडम वेब देखने को मिला है। तो इस यूनिवर्स का आगे क्या फ्यूचर होने वाला है ये शायद से इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि देखो इसके बाद इसके यूनिवर्स में क्रैविन दी हंटर मूवी आए जो कि इसके कुछ महीने बाद ही रिलीज होने वाली है। और अब तक इस यूनिवर्स में हमें काफी सारे मूवीज देखने को मिल चुके हैं जिसमें से ये जो वेनम की मूवी होगी ये वेनम की लास्ट मूवी होगी। लेकिन अगर सोनी चाहती है कि वो अपने यूनिवर्स को और भी ऊपर लेके जाए तो शायद से हमें वेनम इसके आने वाली मूवीज में भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर ऐसा भी कहा जाए कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें शायद से स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगा। हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो इसके ट्रेलर में हमें एक यंग पीटर पार्कर को दिखाया गया है जिसे तुम यहाँ पर देख सकते हो। और जो अमेजिंग स्पाइडरमैन में हमें लिजर्ड देखने को मिले इसके ट्रेलर में देख सकते हो। तो ये तो फिक्स है कि इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन के बारे में काफी कुछ देखने को मिलेगा और ऐसा भी हो सकता है कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन देखने को मिले और ये जो स्पाइडरमैन होगा ये शायद से एंड्रू गारफील्ड का हो सकता है। अभी हाल ही में सोनी ने स्पाइडरमैन से रिलेटेड एक ट्वीट भी किया था जिसमें इसने एंड्रू गारफील्ड के फोटो को पोस्ट किया है। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि सोनी यहाँ पर हमें हिंट दे रहा है और अगर सब कुछ सही रहा तो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन या फिर स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ही। बाकी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर एक और थ्योरी ये बनती है कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें नल देखने को मिल सकता है। वेनम 3 के ट्रेलर में हमें एक नल का शॉट देखने को मिलता है तो इसी को लेकर सबका ऐसा कहना है कि ये जो सीन होने वाला है ये इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है वेनम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है।